इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के पास से होकर गुजरता है, उसका एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। अब कहानी आती है एक मिलिट्री कैंप में। ये एक यूएस मिलिट्री कैंप है और यहाँ पे आर्नल्ड को बुलाया जाता है। आर्नल्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और अब वो अपनी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली काम करता है। इस मूवी में आर्नल्ड का नाम डच होता है। वहाँ का जनरल आर्नल्ड को बोलता है कि हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ कहीं गुम हो गया है और वो उसे एक लोकेशन दिखाता है। आर्नल्ड देखता है कि वो लोकेशन सरहद के उस पार होती है। आर्नल्ड बोलता है कि आपके मिनिस्टर हमेशा सरहद के उस पार जाते रहते हैं। वो बोलता है कि नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे और अब वो गोरिल्लाओं के कब्जे में। गोरिल्ला यानी कि ऐसे लोग जो आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। आर्नल्ड बोलता है तो आपको सेना को भेजना चाहिए, हमें क्यों बुलाया। तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि कोई बेवकूफ तुम्हें सबसे बेस्ट मानता है। और जब आर्नल्ड पीछे देखता है तो वहां पर उसका एक पुराना दोस्त, उसका पुराना जानकार जिसका नाम डिलन होता है, वो बैठा होता है। डिलन और आर्नल्ड एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। डिलन आर्नल्ड को बताता है कि एक दिन का ऑपरेशन है, हमें सरहद के उस पार जाना है, अपने बंधकों को छुड़ाना है और वापिस आ जाना है। आर्नल्ड बोलता है कि हमका क्या मतलब है। डिलन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और वो सारे के सारे उस लोकेशन पे उतर जाते हैं जहां पर उन्हें उन लोगों को छुड़ाना है, यानी कि वो बॉर्डर के उस पार है और ये बहुत घना जंगल है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक चॉपर दिखता है। चॉपर यानी कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर। वो क्रैश होकर पेड़ों के बीच में अटका हुआ होता है और जब ये ऊपर जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि एक जासूसी हेलीकॉप्टर है और इसमें जो दो पायलट होते हैं उनके सिर पर किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर होती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि वो 12 गोरिल्ला थे जो यहां पर आए थे और उन्होंने दो लोगों को अगवा कर लिया है। इसके बाद उन्हें एक आदमी यह भी बताता है कि यहां पर अमेरिकी लोगों के यानी कि अमेरिकी आर्मी के 6 लोगों के जूतों के निशान भी हैं जो नॉर्थ से आए और उसके बाद वो उन गोरिल्ला लोगों के पीछे पड़ गए। आर्नल्ड बोलता है कि इसकी और तहकीकात करो और जब वो और तहकीकात करते हैं तो उन्हें पेड़ पर 3 लोगों की लाशें दिखती है जो उल्टी टंगी होती है और उनके शरीर से उनकी पूरी खाल निकाल दी गई होती है। अब वो डिलन को अपने साथ ले जाता है और वो बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई ऑपरेशन चल रहा था। डिलन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ का पूरा मंजर देखने के बाद इनकी पूरी टीम बहुत गुस्से में होती है क्योंकि गोरिल्ला लोगों ने इन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो उन्हें मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए आगे निकलते हैं। और जब इनकी पूरी टीम आगे जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ से इन्हें कोई देख रहा है, इन पे नजर रख रहा है। और जब ये सीन दिखाते हैं तो पूरी स्क्रीन नीली हो जाती है, यानी कि जो इन्हें देख रहा है वो उन्हें इस विजन में देख रहा है। अब इनकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इन्हें इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, जहां पर दुश्मन है जिन्हें गोरिल्लास बोलते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। और जब आर्नल्ड कैमरे से देख रहा होता है तो एक बंधक के सिर पर गोली मारकर वो उसे मार देते हैं। इसके बाद ये सब लोग उनपे हमला कर देते हैं और वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितना भी गोरिल्लास होते हैं, सबको मार देते हैं। लेकिन वो उनमें से एक को बंधक बना लेते हैं क्योंकि वो लड़की थी और इसलिए आर्नल्ड ने उसे मारा नहीं होता। अब आर्नल्ड को ये पता चलता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात थी वो झूठी थी और इस बात पे आर्नल्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आर्नल्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिसमें लोगों की जान जाए और इस मिशन के लिए आर्नल्ड की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए वो उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लाता। डिलन उसे बताता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जो पेड़ पे टंगा हुआ था, उसमें मेरे लोग थे और हमने उन्हें बचाने के लिए, ढूंढने के लिए एक टीम भेजी थी जो सबके सब गायब हो गए। लेकिन देखो यहाँ पर हमें कितना कुछ मिला, उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं और वहां पर बहुत सारा असला बारूद होता है। और इसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं और उनके साथ वो लड़की भी है जिसे इन्होंने यहाँ पर बंधक बनाया है, इसका नाम एना होता है। अब जब ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हीं का एक साथी जिसका नाम बिली होता है और जो इन सबको रास्ता बता रहा होता है, वो अचानक से रुक जाता है और पेड़ों की तरफ घूरना शुरू कर देता है। सारे के सारे बैठ जाते हैं और आर्नल्ड उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ बिली। वो बोलता है कि उन पेड़ों में कुछ ना कुछ तो है और वहां पे सच में कुछ होता है जिसे ये देख नहीं पा रहे होते, लेकिन वो चीज इन्हें देख रही होती है। अब जब इन सब का ध्यान उसी तरफ होता है तो एना को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। अब इनका एक आदमी एना के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे वो पकड़ता है तभी वहां पर एक आकृति आती है जो दिख नहीं रही होती और वो इन सात में से एक को मार देती है और उसकी लाश को भी अपने साथ ले जाती है। अब एना के फेस पे उसका ब्लड गिर जाता है। तब तक वहां पर सारे लोग आ जाते हैं, वो देखते हैं कि उनका साथी है का। और जब वो झाड़ियों के पीछे देखते हैं तो वहां पे उनके साथी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सब पड़े होते हैं, लेकिन उसकी लाश नहीं होती। आर्नल्ड बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब वो एना से पूछते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। एना बस इतना ही बोलती कि जंगल में जान आ गई थी, क्योंकि एना ने भी उस आकृति को नहीं देखा होता, वो इनविजिबल होती है। इसके बाद आर्नल्ड बोलता है कि मुझे अपनी साथी की लाश चाहिए और वो वहां से उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं जहां पर उन्होंने पहले कई सारी लाशों को लटके हुए देखा था।
अब जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके एक साथी को झाड़ियों से कुछ आहट आने की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा जानवर होता है। तभी ये दिखाते कि पेड़ पे वही आकृति उस पे हमला कर देती है, दूर से एक लेजर टाइप की फेंकती है और उसके छाती वाले हिस्से को पूरा खोखला कर देती है और वो मर जाता है। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो उसकी आहट से वहां पर एक और सिपाही आ जाता है और वो पेड़ पे उस आकृति को देख लेता है। दरअसल उसकी सिर्फ आंखें चमक रही होती है और वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उसकी गोलियों की आवाज सुनके वहां पर सारे लोग आ जाते हैं और उनके पास जितनी भी गन्स होती है वो सबसे उस तरफ गोलियां चलाते हैं। और जब सबकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो अपने उस आदमी से पूछते हैं जिसने उस आकृति को देखा था, वो उससे पूछते हैं कि क्या था वहां पर। वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वहां पर एक धुंधली सी आकृति दिखी थी जिसकी दो आंखें चमक रही थी और फिर वो दो आंखें गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते कि जिस आकृति की तरफ इन्होंने गोलियां चलाई थी, एक गोली उसे लग चुकी होती है और वो जख्मी होता है। और अब पहली बार उस आकृति को पूरा दिखाते, वो आकृति अपने हाथ में एक बटन दबाती है जिससे वो पूरी तरह से विजिबल हो जाता है और वो एक औजार निकालता है जिससे वो अपनी गोली निकालने की कोशिश करता है और दर्द से जोर से कराता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। अब आर्नल्ड और उसकी पूरी टीम चारों तरफ बारूद बिछा देती है और वहां पर एक वायर लगा देती है ताकि अगर उसके अंदर कोई भी आए तो उसका पैर वायर से टकराए और वो ब्लास्ट हो जाए और वो जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है वो मर जाए। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथी की लाश वहां पर होती नहीं है, वो गायब हो चुकी होती है। आर्नल्ड समझ जाता है कि वो जो भी चीज है वो जरूर पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर से आती है। अब आर्नल्ड और उसके आदमी चारों तरफ फंदे लगाना शुरू कर देते हैं, वो जमीन पे फंदे लगाते हैं, पेड़ों पे फंदे लगाते हैं ताकि अगर वो कहीं से भी आए तो वो पकड़ा। डिलन आर्नल्ड से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं से आएगा। आर्नल्ड बोलता है कि जंगल से इस तरफ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब जब वो चारों तरफ फंदे लगा लेते हैं तो सब चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आता। तब आर्नल्ड आराम से उठता और आराम आराम से बीच में जाता है क्योंकि चारों तरफ फंदे होते हैं और वो आगे की तरफ देखता है कि अभी तक कोई आए क्यों नहीं। तभी उसके सामने से एक फंदा ऊपर की ओर उठता है और उसमें वही आकृति होती है जो दिखनी रही होती, लेकिन वो लेजर से फायर करती है और अपने आप को उस जाल से उस फंदे से बचा लेती है और जाकर पेड़ पे लटक जाती है। अब ये सब उस तरफ गोलियां चलाते हैं। तभी एक पल के लिए वो आकृति अपना असली रूप इन सबको दिखाती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान इनका एक और साथी जख्मी हो जाता है। अब जब वो अजीब सा जीव वहां से भाग रहा होता है तभी इनमें से एक इंसान उनका पीछा करता है क्योंकि अभी तक इसने जिन दो लोगों को मारा है उनमें से एक इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब वो उसके पीछे जंगल की तरफ निकल जाता है। आर्नल्ड अपने लोगों को बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखो जो जख्मी हुआ है, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूं। लेकिन डिलन वहां पे आ जाता है, आर्नल्ड को रोकता है, वो कहता है कि तुम सबको लेके यहां से निकल जाओ और मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूं। और डिलन उसकी मदद के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। जब जंगल में डिलन उसे ढूंढ रहा होता है तभी डिलन को आवाज आती है कि नीचे बैठ जाओ, और नीचे वही आदमी होता है जो उस आकृति के पीछे गया होता है और वो उसे दिखाता है कि वो आकृति उस पेड़ पे बैठी हुई है और वो दोनों उसको देखते हैं। अब वो सिपाही जो यहाँ पर पहले आया होता है वो डिलन को बोलता है कि तुम यहीं रुको और मैं उससे बदला लेकर आता हूँ, उसे मार के आता हूँ। और जब वो उसे मारने जा रहा होता है तो वो आकृति उसे देख लेती है और उसकी तरफ एक लेजर फेंकती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर डिलन अकेला बचा है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि आर्नल्ड और उसके साथ जो तीन लोग हैं वो लकड़ी का एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं जो पेड़ के गिरने से बना हुआ होता है, और तभी डिलन की चीख की आवाज आती है और इससे ये पता चलता है कि डिलन की भी मौत हो चुकी है। अब इनमें से चार लोग मर चुके हैं और सिर्फ चार बचे हुए हैं, जिसमें एक लड़की है, एक आर्नल्ड, एक आदमी जख्मी है और एक आदमी जो इन्हें रास्ता बताता है। अब जो इन्हें रास्ता बताता है वो वहीं पे रुक जाता है और वो बोलता है कि तुम जाओ, और वो अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो आकृति उसे भी मार देती है और अब बचते हैं तीन। और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे एक पेड़ पर वही आकृति आती है, वही जीव आता है और वो एक लेजर फेंकता है जिससे इनमें से जो एक जख्मी होता है वो भी मर जाता है। अब आर्नल्ड उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन वो एक और लेजर फेंकता है जो उसके कंधे पे लगती है और उसकी बंदूक छूट जाती है। आर्नल्ड एना को बोलता है कि तुम यहां से भाग जाओ, और एना वहां से भाग जाती है। अब आर्नल्ड भी भागना शुरू करता है और वो भागते भागते एक झरने से नीचे कूद जाता है जो बहुत गहरा होता है, और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से किनारे तक आता है और उसके पूरे शरीर में कीचड़ लग जाता है। और तभी ये दिखाते हैं कि वो जो आकृति होती है वो भी पानी में कूद जाती है और वो आर्नल्ड का पीछा कर रही है। अब
आर्नल्ड के पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है और वो एक जगह पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों के सहारे छुप जाता है। अब वो जीव भी पानी से बाहर निकलता है और ये बहुत ही बलिष्ठ बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब ये आर्नल्ड की तरफ बढ़ता है और ये आर्नल्ड के सामने से गुजरता है। आर्नल्ड इसके साइड में होता है लेकिन ये आर्नल्ड को देख नहीं पाता। दरअसल इसके पीछे रीजन ये होता है कि आर्नल्ड के पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है और इस जीव की आंखें नहीं, इसीलिए ये किसी भी चीज को एक हीट के रूप में एक एनर्जी के रूप में देखता है। और जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसे वो हीट दिखती है, उसको वो एनर्जी दिखती है। अब आर्नल्ड के पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है तो ये उसकी हीट को नहीं देख सकता, इसीलिए आर्नल्ड इसके साइड में होता है लेकिन ये जीव उसे देख नहीं पाता। और आर्नल्ड समझ जाता है कि मेरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है इसीलिए ये जीव मुझे देख नहीं पा रहा। और आर्नल्ड अब तय कर लेता है कि मैं इससे बदला लूंगा। वो एक जगह पर बहुत सारे फंदे लगाता है और उसके पास जो बारूद होता है उससे वो अलग अलग तरह के हथियार भी बनाता है जिससे वो इसको मार सके। अब जब वो पूरी तैयारी कर लेता है तो वो एक मचान पे चढ़ के जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ में मशाल होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ये जीव पेड़ पर बैठा होता है और जब ये आर्नल्ड की आवाज सुनता है तो ये भागता हुआ पेड़ों पे उछलता कूदता उस तरफ आता है, लेकिन वहां पर आर्नल्ड इसे नहीं दिखता क्योंकि आर्नल्ड ने अभी भी अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगाया हुआ है। लेकिन आर्नल्ड इसे देख लेता है क्योंकि आर्नल्ड ने वहां पर आग लगाई होती है और जब ही वहां पर पहुंचता है तो आर्नल्ड उस आग के सहारे इसकी आकृति को देख लेता है और इस पे हमला करता है। अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है क्योंकि आर्नल्ड इसे देख सकता है और ये आर्नल्ड को नहीं देख सकता, इसीलिए आर्नल्ड इस पे कई तरह के प्रहार करता है और इसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो देखता है कि इसका खून दो पत्थरों के बीच में जा रहा है और आर्नल्ड जब वहां पर जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो अंदर नहीं बल्कि ऊपर है और आर्नल्ड एक बम जलाकर वहां फेंक देता है और वहां से भागता हुआ बाहर जाता है। और वो एलियन जीव भी आर्नोल्ड के पीछे भागता है और उस पे लेजर से फायर करता है, लेकिन आर्नोल्ड एक जोरदार छलांग लगाता है और एक लकड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी टूट जाती है और आर्नोल्ड सीधा पानी में जाकर गिरता है। अब आर्नोल्ड पानी में गिर चुका है और उसके शरीर में जितना भी कीचड़ लगा हुआ था वो सारा धुल चुका है, तो अब ये एलियन जीव उसे आराम से देख सकता है। अब वो एलियन जीव आर्नोल्ड के पास जाता है, उसे गर्दन से पकड़ता है और हवा में उठा देता है। और जब वो उसे हवा में उठाता है तो उसे एहसास होता है कि ये इंसान बहुत शक्तिशाली है और वो ये तय करता है कि मैं इससे फाइट करूंगा। ये आर्नोल्ड से हाथ से फाइट करता है और आर्नोल्ड को बहुत बुरी तरह मारता है। अब आर्नल्ड की हालत खराब हो चुकी है और वो घिसट घिसट के आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि उसने यहीं पर एक फंदा लगाया था जो दो पत्थरों के बीच में होता है। और आर्नल्ड उस फंदे को पार कर कर वहां पर बैठ जाता है और इस जीव को, इस एलियन जीव को बोलता है कि कम ऑन आओ किल मी। और वो जीव जब उस फंदे पर पैर लगाने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि यहां पर फंदा है और वो ऊपर से दूसरी तरफ से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन आर्नल्ड ने वहां पर एक और फंदा लगाया होता है। दरअसल उसने हवा में एक बहुत भारी और बहुत बड़ी लकड़ी लटकाई होती है और उसका ट्रिगर उसके पैर के पास होता है और वो एलियन जीव एग्जैक्टली उसी के नीचे होता है और आर्नल्ड के सामने खड़ा होता है। तभी आर्नल्ड उस फंदे पर पैर मारता है और वो जो बहुत भारी लकड़ी होती है वो सीधा उस एलियन जीव के सिर पर आकर गिरती है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब आर्नल्ड वहां पर जाकर देखता है तो वो अभी भी मरा नहीं होता। तब आर्नल्ड एक पत्थर उठाता है और उसे कुचलने वाला होता है कि तभी उसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है और आर्नल्ड समझ जाता है कि वो मरने वाला है और वो पत्थर साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो एलियन जीव अपने हाथ में एक गैजेट में दो तीन बटन दबाता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। आर्नल्ड समझ जाता है कि अब यहां पर ब्लास्ट होने वाला है क्योंकि वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है और आर्नल्ड वहां से भागना शुरू करता है। और ब्लास्ट होने से एक सेकंड पहले आर्नल्ड कूदता है और एक पेड़ जो टूट के जमीन पे गिरा होता है उसके पीछे छुप जाता है। और इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है जैसे कोई परमाणु बम फटा हो और हेलीकॉप्टर में ऊपर कुछ लोग होते हैं वो भी हिल जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं और आर्नल्ड को बचा लेते हैं। और जब आर्नल्ड हेलीकॉप्टर में बैठता है तो वहां पर एना भी होती है, यानी कि उन्होंने एना को भी बचा लिया होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। प्रीडेटर मूवी सन 1987 में बनी थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 जून को। इस फिल्म का बजट था 15 से 18 मिलियन डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 98 मिलियन डॉलर, यानी कि ये फिल्म एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी।